कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को दिव्यनगर कॉलोनी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 कूड़ाघाट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजीत सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी नियर ABC स्कूल बसंत विहार कॉलोनी रानी डीहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता गर्ल्स हॉस्टल छात्र संघ चौराहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर में रहती थी। अक्टूबर 2021 में उसकी मुलाकात विजित सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी नियर ABC स्कूल बसंत विहार कॉलोनी रानी डीहा गोरखपुर से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई एवं जान पहचान हो गई। चूंकि अभियुक्त विजित सिंह उपरोक्त को ट्रेडिंग की जानकारी थी, तो वाद्य उपरोक्त ने ट्रेडिंग सीखने की इच्छा जाहिर की, जिस पर वो ट्रेडिंग का काम सिखाता था, जिससे वादनी का अभियुक्त के घर आना जाना हो गया। 1 जनवरी 2022 को विजीत वादनी को अपनी बाइक से अपने घर ले गया, वहां कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वादनी अपना होश खो बैठी। इस अवस्था में अभियुक्त विजीत उपरोक्त ने वादनी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। अभियुक्त विजीत ने शादी करने के नाम पर पीड़िता के साथ कई बार संबंध स्थापित किया एवं वादनी के कई हजार रुपए ले लिए। विगत कुछ दिनों से शादी की बात करने पर विजीत सिंह ने वादनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। वादनी के द्वारा विजीत के घर वालों से बात करने पर अभियुक्त विजीत पीड़िता को जान से मारने की धमकी एवं फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। अभियुक्त विजीत द्वारा पीड़िता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश शर्मा, जय प्रकाश यादव शामिल रहे। Thank you.